हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली एलिजाबेथ ओल्सन का इंटरव्यू आया था, तो उस इंटरव्यू में एलिजाबेथ ओल्सन ने ये बताया कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी हॉरर टच देगी। तो मुझे उन लोगों पर हंसी आ रही है, यानी कि जिस टाइम पे ये कांड हुआ था ना डायरेक्टर का, यानी कि स्कॉट डायरेक्शन निकल गए थे, फिर सैम रेमी जुड़ गए थे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से, तो बहुत लोग ये कह रहे थे कि केविन फेगी सर ने उन्हें इसलिए निकाला होगा क्योंकि वो मतलब हॉरर टच देना चाहते थे। तो ऐसा मतलब बहुत लोग सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मूवी हॉरर होने वाली है, जैसे कि केविन फेगी सर ने बहुत बारी कहा है और रिसेंटली एलिजाबेथ ओल्सन ने भी कह दिया है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और इसी के साथ अभी मैं आप लोगों को वीडियो में आगे रूमर्स बताऊंगा, और मैं बार बार नहीं कहूँगा कि रूमर है, मैं वीडियो में अब भी कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को जितना भी आगे मतलब बताने वाला हूँ वीडियो में, वो सारे रूमर्स होंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में एक सीन होगा जहाँ पे हमें स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज एक कैबिन में दिखाई देगी, और उस कैबिन में डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच को उसका मतलब इशू का हल बताएगा, यानी कि जो उसका इशू है, यानी कि उसके जो बच्चे वगैरह की आवाज़ आ रही थी, आप लोगों ने सुना ही होगा वांडा विजन के EP9 के पोस्ट क्रेडिट सीन में, तो वो जो मतलब इशू था स्कारलेट विच का, उसका हल डॉक्टर स्ट्रेंज बताएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज कहेगा स्कारलेट विच को कि उसे डील करनी होगी शुमा गोरस से। लेकिन दूसरी तरफ मोडो, आप लोगों को बताया कि मोडो कौन है, तो मोडो बिना डील के काम करवा देने का वादा करता है स्कारलेट विच से। तो स्कारलेट विच डील एक्सेप्ट करती है मोडो की, यानी कि ये डील नहीं है एक्चुअल वाली, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज और मोडो में से वो चूज़ करती है मोडो को, और वो निकल जाती है सफ़र पे मोडो के साथ। और आप लोगों को मैं बता दूँ, यहाँ पे मोडो अपना फ़ायदा देखेगा, यानी कि वो उसके बदले कुछ मांगता भी उससे, और वो मांगेगा डार्क होल्ड, और ये चीज़ मुझे लग रहा है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज मोडो के प्लान को सपोर्ट नहीं करता है, कॉज मोडो के प्लान में एक गड़बड़ है, यानी कि मल्टीवर्स को लेके, कॉज जो स्कारलेट विच का मैजिक है वो चीज़ जैसे ही वो मतलब डायमेंशन को पास करती रहेगी वैसे ही ब्रेक होते रहेगा मल्टीवर्स। तो ये सब मुझे रिसेंटली रूमर मिला था, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताना चाहिए, इंटरेस्टिंग भी लगा मुझे, और ऐसा लग रहा है कि सच हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं क्लियर कट आप लोगों को कहना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये रूमर कैसा लगा, और आप लोग कुछ भी ऐड कर सकते हो आप लोगों के हिसाब से अगर करना चाहो तो, लेकिन आप लोग कह देना कि आप लोगों ने ऐड किया है, वरना कमेंट सेक्शन में लोग समझेंगे कि ये भी रूमर है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करो, और कोई न्यू बंदा है बंदी हो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो। MCU मास्टर, मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन।